নেপালের পর এবার খামখেয়ালি বাংলাদেশ। পুজোর আগে ব্যাপক ক্ষতির মুখে ভারতের ব্যবসায়ীরা। কেন জানেন? ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধ হয়েছে বোল্ডার বাণিজ্য। 3,500 ট্রাক এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে ফুলবাড়ি সীমান্ত এলাকায়। সংকট ঘনীভূত হচ্ছে, আশঙ্কার পারদ চড়। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि बांग्लादेश ने इंडिया को हमें ही एक जोर का झटका दिया है, वो ही जोर का झटका दिया है जो कभी बांग्लादेश ने 2017 में इंडिया ने दिया था नेपाल को। क्योंकि आपको पता है कि नेपाल में उस वक्त सेकुलर स्टेट बन चुका था, तो फिर इंडिया ने उसको लेकर के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। भूखमरी की स्थिति हो गई थी, सूरत हाल बन गई थी नेपाल में, और नेपाल को बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उसकी ना ही इम्पोर्ट हो रही थी, ना एक्सपोर्ट्स, बाहर कोई सामान नहीं जा रहा था, ना इंपोर्ट किया जा रहा था। तो उसकी इंडिया के साथ बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होती है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो ही अब जनाब सूरत हाल आ गई है, अब बांग्लादेश धमका रहा है इंडिया को। अब हजारों की तादाद में जो ट्रक है बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर है लेकिन बांग्लादेश में नहीं जा रहे, और बांग्लादेश का जो इम्पोर्टर है वो नहीं ले रहा। उसकी मेन वजह वो बता रहे हैं कि जो पोर्ट थी ना बांग्लादेश में, बड़ी बड़ी पोर्ट हैं जहां पर इंडिया से वेस्ट बंगाल से सामान आता जाता है, यानी पोर्ट एक्सपोर्ट्स होता है, जहां पर लोड होता है अनलोड होता है, वहां से अब जनाब इसलिए भी नहीं आ रहे क्योंकि वो जो ड्यूटी होती है ना, टैक्स ड्यूटी जो उसके ऊपर लगता है, वो इंडियन हुकूमत ने जो ट्रक ड्राइवर है उनके ऊपर लगाया है, पर उसी के बदले में बांग्लादेशियों ने भी लगा दिया, बांग्लादेशियों ने सामान के ऊपर जो उसका ड्यूटी टैक्स लगा दिया है, तो उसको लेकर के फिर वो माल बहुत ही ज़्यादा, उसकी जो रेट है, प्राइस है, वो हाई हो गई है। और जो बांग्लादेश का इंपोर्टर है वो इंडियंस को कह रहा है कि हम आपका माल नहीं ले सकते, क्यों लेंगे आपके प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपके ऊपर तो पहले से ड्यूटी इतनी ज़्यादा लगी हुई है, टैक्स इतना ज़्यादा लगा हुआ है, तो इतना महंगा हम नहीं ले सकेंगे, फिर हम सेल कैसे करेंगे। यानी बांग्लादेश में इससे पहले ही इतना सस्ता मिल रहा है, हम इतना महंगा आपसे क्यों लें। और ये बात कहकर बहुत बड़े तादाद में जो ट्रक हैं, सामान है, वो बॉर्डर के ऊपर है और बहुत ही नुकसान उठाना पड़ रहा है इंडिया को। और इंडियन मीडिया यही कह रहा है कि देखें अब बांग्लादेशी जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उनको इतना ज़्यादा नुकसान होगा, वो अब क्या करेंगे, और फ्यूचर प्लानिंग भी तो कुछ होती है, फिर हम उसमें जाके क्या करेंगे। यानी अगर हमें इतना अभी नुकसान उठाना पड़ गया तो फिर आइंदा का हमारा जो लाया मतलब वो कैसा होगा। तो इसके ऊपर वो बात कर रहे हैं कि देखें अब जो बांग्लादेश है, जो इंडिया ने कभी बुरा सलूक किया था, धमकाया था और रास्ते बंद कर दिए थे नेपाल के, आज बांग्लादेश भी इंडिया से वही सलूक कर रहा है। तो खैर इसी के ऊपर वीडियो है, पहले वीडियो देखेंगे फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी अभी विजिट किया, तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक हमें जरूर आगाह भी किया करें। लीजिए वीडियो देखते हैं, 3, 2, 1 एंड क्यू। कलर पॉड एक बार खामखेयाली बांग्लादेश। পুজোর আগে ব্যাপক ক্ষতির মুখে ভারতের ব্যবসায়ীরা। কেন জানেন? ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধ হয়েছে বোল্ডার বাণিজ্য। 3,500 ট্রাক এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে ফুলবাড়ি সীমান্ত এলাকায়। সংকট ঘনীভূত হচ্ছে, আশঙ্কার পারদ চড়ছে, কিন্তু আশার আলো দেখা যাচ্ছে কই। বিষয়টা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে প্রতিবেদন দেখুন শেষ পর্যন্ত। ফুলবাড়িতে রয়েছে চার দেশীয় আন্তর্জাতিক বন্দর, যেখানে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চলে নেপাল, ভুটান এবং বাংলাদেশে। এই বাণিজ্য পথকে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় একটি পথ ধরা হয়। প্রতিদিন 3,500 গাড়ি চলাচল করে এই পথ দিয়ে। কিন্তু 1 আগস্ট থেকে খামখেয়ালি সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। তার জেরেই ভারত বাংলাদেশের বাণিজ্য এখন সংকটে। সিদ্ধান্তটা কি? বাংলাদেশ বোল্ডারে টন প্রতি $2 করে অতিরিক্ত কর চাপিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মোটা টাকা কর দিতে হচ্ছে তাদের। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা হাত গুটিয়ে নিয়েছেন, ফলে ভারত থেকে বোল্ডার তারা আর নিচ্ছেন না। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হচ্ছে যে এখন লাইন দিয়ে 3,500 ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে ফুলবাড়ি সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায়। কর্মহীন হয়েছেন চালক, খালাসি, স্থানীয় শ্রমিক, আর বিপুল টাকা ক্ষতির মুখে পড়ছেন ভারতের ব্যবসায়ীরা। লোকসান হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের, তারাও যে আর বোল্ডার আমদানি করতে পারছেন না, বসে পড়ছে একের পর এক ট্রাক। ফলত রাস্তার একটি ধার ঘেঁষে এখন শুধু বোল্ডার বোঝাই করে
দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় 150 ট্রাক। বাকি গাড়িগুলো এখন নষ্ট হচ্ছে পড়ে থেকে। লোকসানের ভয় পাচ্ছেন ট্রাক মালিকরা, কারণ অনেকেই লোন নিয়ে গাড়ি কিনেছেন, তাই কিছুটা বাধ্য হয়ে ট্রাক মালিকরা কাবাড়িখানায় গাড়ি বিক্রি করছেন। ইতিমধ্যেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে প্রায় 800 গাড়ি। চরম সংকটে পড়ে দিন গুনছেন ব্যবসায়ীরা, কিন্তু দিনের শেষে আশায় রয়েছেন তারাও। অবশ্য সেই আশা কতদিনে তাদের ভাগ্যের চাকা ঘোরাবে সেটা আপাতত কেউ জানেন না। সমস্যা তো গাইস, আপনি এই ভিডিও দেখে লগভগ 3,500 কে করিব যে ট্রাক হ্যায় वो वहां पर खड़े हुए हैं लाइन बनाकर, और उनको जाने की इजाजत नहीं है और बड़े परेशान हैं वो बेचारे। वो कह रहे हैं कि देखें यार, हमें जाने नहीं दिया जा रहा, हमारा सामान यहाँ पे गल सड़ के खराब हो रहा है, और इंडिया के जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि देखें, अब बांग्लादेश नहीं ले रहा, और बांग्लादेश की बात भी ठीक है कि आपकी हुकूमत ने, आपकी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिए हैं इतने ज़्यादा, जब हमने लगाए हैं तो आपकी चीखें निकल आई हैं, तो फिर जाहिर बात है बांग्लादेशियों ने भी तो लगाने थे ना। तो वो फिर जाहिर, वो आगे से जो अब सामान बांग्लादेश को मिल रहा है ना व्यूअर्स, वो महंगे दामों मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने आगे जो सेल करना है बांग्लादेश में करना है, लोगों को देना है, तो वो भी महंगे दामों ही होगा ना, सस्ता तो नहीं बिकेगा वहां पे। तो यही वजह है जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो बिजनेसमैन कम्युनिटी या इंपोर्टर्स कह लें, सबसे पहले तो इंपोर्टर्स के पास चीज आती है ना, वो इसको नहीं ले रहे, और फिर बांग्लादेश की जो पोर्ट है वहां पर वो सामान जा ही नहीं रहा। अब देखिए ना, मेन जो पोर्ट है वहां तक जब रसाई होगी उस टैक्स वसूली के बाद, तो फिर ही तो आगे जाके सप्लाई होगी ना पूरे बांग्लादेश में। वो वहीं से सबसे पहले तो उधर ही उनको रोक रहे हैं कि भाई आपने कहीं नहीं जाना, तो खैर आपके साथ जब हमारे मामला तय होंगे फिर ही हम कुछ कर पाएंगे। अब देखें, एक तरफ तो ये चीजें चल रही हैं, और दूसरी तरफ ब्रिक्स का भी एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूं कि हंगामा होने जा रहा है। और ब्रिक्स में अब देखना होगा कि बांग्लादेश के साथ जो इंडिया है वो क्या अपना रोल अदा कर सकता है, या बांग्लादेश को कहेगा कि आप ज्वाइन करें, या बांग्लादेश को कहेगा नहीं करें। लेकिन एक तरफ से तो कह दिया उन्होंने कि बांग्लादेश उसका जो मेंबर ना बने, और लेकिन उससे फायदे लेता रहे, यानी बैंक का मेंबर बन जाए, बैंक से पैसे ले ले जो ब्रिक्स का जो बैंक होगा, लेकिन वैसे ऑफिशियली तौर पर ये अनाउंसमेंट ना करे, और ना ही उसका वो स्पेशल जाके गेस्ट, या जो अब तकरीब अफ्रीका में हो रही है ब्रिक्स के जितने भी उसमें मेंबर हैं वो उनको इन्वाइट किया जा रहा है, क्योंकि उसमें सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, UAE और बांग्लादेश का भी नाम आना है, और बांग्लादेश भी उस ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहा है। एक तरफ तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और दूसरी तरफ जनाब जो अमेरिका है वो पाबंदियां लगा रहा है, वो आयरोज कोई ना कोई थ्रेट करता है वो, लेकिन इंडिया आखिर उसके हक में तो बोला है, लेकिन अब इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश मेरी कॉलोनी बनकर रहे, मेरे साथ ही उसके ताल्लुकात अच्छे रहें, मेरे ही उसके साथ जो जो मैं कहूँ वो शेख हसीना की हुकूमत करती रहे। लेकिन ऐसा नहीं होगा जी, ये आप लिख के ले लें, बांग्लादेश वो करेगा जो उसकी हुकूमत, जो उसकी अवाम को, उसकी कौम के लिए बेहतर होगा। अब तो ये आने वाले दिन भी कुछ तस्वीर ना वाजे हो जाएगी। लेकिन वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि बांग्लादेश ने वही किया जो कभी इंडिया ने 2017 में नेपाल के साथ किया। कहते हैं कि टाइम बड़ी जल्दी गुजर जाता है, और जब पलट के वार करता है तो फिर वो कहते हैं ना कि इंसान को अपनी औकात याद दिला देता है। अब इंडियंस को समझ आ गई होगी कि आपने कितने मतलब उनको अजियत में रखा होगा नेपालियों को, और अब आपके ऊपर पड़ी है, तो आपका किसान रो रहा है, पीट रहा है, और कह रहा है कि जनाब बांग्लादेश के साथ हालात बेहतर करो। तो खैर बड़ी अच्छी वीडियो थी, आपको कैसी लगी व्यूअर्स, इसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।